हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलो इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर इनेलो आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त की। गुरुग्राम से आज इनेलो उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। गुरुग्राम के इनेलो उम्मीदवार का ऐलान होगा, इसकी जानकारी दी है अभय चौटाला ने। अभी तक आपको बता दें अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं इनेलो और एक सीट बची थी गुरुग्राम, जिसके बाद अब लगता है मंथन करने के बाद नाम का ऐलान आज होगा, इसकी जानकारी खुद दी है अभय चौटाला ने। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से। संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक ही सीट बची थी गुरुग्राम और इसी को लेकर थोड़ा सा संशय भी बना हुआ था इनेलो में, लेकिन अब अभय चौटाला कह रहे हैं कि नाम का ऐलान हो जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक आज शाम तक इंडियन नेशनल लोकदल गुरुग्राम सीट पर अपने लोकसभा प्रत्याशी को का जो ऐलान है वो कर देगी। और इसी सीट पर अगर हम कहें तो इसी सीट, यह सीट जो है वो बची हुई थी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से घोषित करना, और आज शाम इस पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। 23 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है और इससे पहले पहले तमाम जो पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की, तो आज शाम उसकी तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस में भी लगातार जद्दोजहद चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की सूची भी सामने देखने के लिए मिल सकती है। तो ज्यादा वक्त अगर हम कहें तो अब पूरे तरीके से चुनाव पीक पर आ चुका है और ऐसी स्थिति में तमाम जो उम्मीदवार अगर सामने आते हैं तो मुकाबला टक्कर का होगा। और यह बात खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने बयान में की है कि अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सामने रखती हैं तो यकीनन चुनाव जो है और दिलचस्प होने वाला है और इसका इंतजार है। चले जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो चुनाव है और भी दिलचस्प होने वाला है। गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए बीजेपी पहले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और इनेलो ने 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया था। गुरुग्राम की सीट बची हुई है और अब ऐलान इस पर भी कर दिया जाएगा आज प्रत्याशी का।